small poll call segment for you. I'll give you names. You have to do a poll. मतलब एक poll बतानी है उनकी, एक poll का खुलासा करना. Okay. First is Shabbir Agarwal. Shabbir is a rock star actually. और उसको खाने का बहुत शौक है, लेकिन खाने के साथ साथ उसको एक्सरसाइज का भी शौक है. वो कई बार शूटिंग में अपने घर से बाइसिकल पे साइकिलिंग करते हुए आता था, और वो गाड़ी में रख के आता था साइकिल. मैं तो उसको देख के हैरान हो जाती थी. बट ही इज अ फैंटास्टिक को एक्टर, और वो 7 बजे की शिफ्ट में 6:30 बजे पहुंच जाता था, तो हमको हमेशा ऐसा रहता था कि शब्बीर पहुंच गया होगा, वी बेटर रीच ऑन टाइम. तो ये पोल खोल बेसिकली नेगेटिव नहीं है, उसके लिए पॉजिटिव ही है. ही इज अ स्वीट हार्ट, बहुत अच्छा इंसान है. कुछ ढांचे होते हैं ना लोग बना के, शायद मुझे लगता है भगवान तोड़ देता है, वो भी उसमें से एक ही है. Yes. Okay. तो उसका बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते. ऑनेस्टली शी इज अ डार्लिंग. और वो क्या बोलू मैं, मतलब वो उस लड़की को, हाँ उसकी पोल ये है कि उसको सब पता है. उसको साहिर लुधियानवी से लेकर माइकल जैक्सन टू शेक्सपियर, यू आस्क हर एनीथिंग एंड शी नोज, शी इज एन इनसाइक्लोपीडिया. और उसको सब पता होता है, और उसके साथ बैठकर बात करने में इतना मजा आता है. बिकॉज मैं खुद इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, इतना मजा आता है. और पर साथ साथ वो आपको गुलजार साहब की भी सारी जिंदगी पता है उसको, साहिर लुधियानवी भी पता है उसको, उसको क्या कहते हैं सलिल चौधरी भी पता है उसको, लता मंगेशकर पता है, देन शी नोज वन डायरेक्शन ऑल्सो, शी नोज लाइक आई समटाइम्स लाइक यू नो आई डोंट नो शी नोज इट ऑल, शी इज सो वेल रेड. कि मेरा तो, मैं अपनी बड़ी बेटी को कई बार बोलती हूँ स्वीति दीदी से सीखो, तो शी सेज ओके मम्मा ऐसे इससे सीखो ये, मतलब शी इज वन, गॉड ब्लेस हर. ओके. उसकी पोल, एक मिनट, उसकी पोल है, एक पोल है उसकी. हाँ. पोल ये है कि उसको इतना हंसना आता है कि एक बार हम कोई बहुत ही सीन कर रहे थे जिसमें पूरी फैमिली थी, और केली मैं होती हूँ तो वो नहीं करती है, क्योंकि उसको पता है कि मम्मा यू नो आई कैन गेट एंग्री बिकॉज आई क्राई ऑन माई ओन. लेकिन हम सब थे और कुछ एक सीरियस सीन चल रहा था, उसको किसी बात पे हंसी आ गई, उसको शब्बीर ने शायद हंसा दिया. उसके बाद उसकी हंसी रुकती ही नहीं है, शी कैन नॉट कंट्रोल इट. एंड वो सॉरी 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 बोलती रहती है, लेकिन उसको कंट्रोल ही नहीं होता है. वो बेसिकली साइन है एक अच्छे हार्ट होने का, कि यू नो आप कैमोफ्लाज ही नहीं कर पाते हो, और फिर आप ऐसे खड़े होकर उसको देखते रहोगे कि अरे ये कब रुकेगी, फिर उसको बोलेगी सॉरी मम्मा, और उसका चलता रहेगा. फिर जब रुक जाएगी तो कहेगी सॉरी सॉरी, तो अरे नहीं कोई बात नहीं हो गया अब करे. ये उसकी एक पोल है, जो कि उसको हंसना तो फिर वो रुक ही नहीं पाती है, शी कैनॉट कंट्रोल इट. श्रद्धा तो क्वीन है हमारी. श्रद्धा मतलब शी सो प्रिटी कि वो अगर सेट पर आएगी ना तो वो बस अपने आप को ही निहारती रहेगी. उसको अगर बोलो श्रद्धा तू बहुत अच्छी लग रही है ना, अच्छी लग रही है ना मम्मा, श्रद्धा तू कितनी सुंदर लग रही है, तेरा ये बाल कैसे लग रहे हैं मेरे, बहुत अच्छे लग रहे हैं श्रद्धा, श्रद्धा ये कलर तुझ पे कितना सूट कर रहा है ना, अच्छा लग रहा है, हाँ मुझे भी लगता है कि अच्छा ही लग रहा हो, बहुत अच्छा लग रहा है श्रद्धा तू बहुत प्यारी लग रही, थैंक यू. तो शी इज लाइक पूरा एक, कुछ छोटे बच्चे होते हैं जो अपने कपड़े से अपने से, पर ऐसा नहीं है, वो अपने डायलॉग प्रॉपर करके आती है. और आप सीन करो तो हमारे टचवुड वन टेक पे ही सब होता है, बट ये मैं कह रही हूँ जब वो घुसती है सेट पर तो सबकी निगाहें टर्न होती है कि कोई आ रहा है, वो उसमें है बात, और वो खुद से ही खुश होती रहती है कि श्रद्धा वो तूने उसको देखा कहाँ, श्रद्धा वो ना वो जो था, नहीं मम्मा मैं तो अपने आप, मैंने कहा हाँ तू तो अपने मम्मा ये ठीक लग रहा है ना, अरे तू क्या खूबसूरत लग रही, पर वो एक्चुअली लगती ही है खूबसूरत, आप क्या करोगे, उसे निगाह हटती नहीं है ऐसा. अंजुम इज अ बिंदास गर्ल. अंजुम कुछ भी, उसका फिल्टर ही नहीं है, वो जो यहां सोचती है वो उसके मुंह पे रहता है. उसके लिए मैं उसको कई बार समझाती भी हूं, मेरे सामने कर ले, लेकिन थोड़ा कईयों के सामने, बिकॉज ये दुनिया जो है वो इतना फ्रैंकनेस इतना ओपननेस नहीं समझ पाती है, उसका फिल्टर ही नहीं है. अगर कुछ से कुछ बुरा लग रहा है तो बोल दे ये बेकार है, अगर कुछ अच्छा लगे तो बोलिए ओ क्या तैसा वाला, तो वो शी हैज नो फिल्टर. अब अगेन उस जैसे लोग हमारी फील्ड में कई बार उनके लिए लोग अच्छा भी नहीं करते, उनको लगता है कि शी इज टू स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑल्दो शी इज माई जान, बिकॉज आई पर्सनली फील जो उसके दिल में होता है वो उसकी जुबान पे होता है, और वो बहुत अच्छा लिखती है, शी राइट्स सो ब्यूटिफुली.
वो इतना खूबसूरत लिखती है कि कई लोगों को उसकी पर्सनालिटी के साथ वो फिट होता ही नहीं दिखता है। वो इतना संजीदगी से लिखती है और वो बेसिकली एक बहुत संजीदा पर्सन है। वो अपनी हंसी में उसके जो संजीदगी है वो किसी को दिखाई नहीं देती है, सिर्फ जो उसके बहुत करीब होते हैं ना वो ही उसको जान पाते हैं। ये उसकी एक पोल खोल है। सो अगर आप उसके करीब हो तभी आप जान पाओगे कि वो कितनी सेंसिटिव और कितनी संजीदा लड़की है, अदरवाइज आप जान ही नहीं सकते उसकी उस वो छुपा के रखती है उसे। शी कैमोफ्लेजेस इट। ओके धीरज। धीरज इज अ धीरज को तो मतलब वो उसको अगर होगा हेलो सर लमा कैसी हो आप ऐसा लगेगा तो कहा हाँ मैं ठीक हूँ, तो कैसे मैं बट ठीक हूँ क्या लाए हो आज। ही इज अ फूडी फर्स्टली एंड देन ही इज सो प्रिम एंड प्रॉपर इन हिज कॉस्ट्यूम्स एंड विद हिज शूज। ही हैज अ फिटिश फॉर शूज, मतलब बोल देगा आपने मेरे शूज देखे, मैं कहूंगी हाँ ये तो अच्छे में क्योंकि ये इतने पहले वाले कॉस्ट्यूम नहीं ये नए हैं। अरे आपको पता, मैंने बोला मुझे इतना पता नहीं चलता है, आई एम नॉट अ वेरी कॉस्ट्यूम एंड यू नो ध्यान देने पे बात। कहता नहीं नहीं ये वो वाले आपने देखा नहीं इसमें वो, ही इज वेरी वेरी प्रिम एंड प्रॉपर अबाउट हिज शूज हिज कॉस्ट्यूम एंड हिज हेयर डू एंड एवरीथिंग। ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल दीज लुक्स एंड थिंग्स। Performer, of course, he's a very beautiful performer. And when we do scenes again, like Shraddha, wo pura prepare ho ke aata hai. But these are the things when he reach, like you know, he'll ask, "Yeah, ye acha lag raha hai, ye theek lag raha hai. Arey to bahut acha, acha. Ye aapne dekha, ye jo isme ye hai." So you know, like childlike, these people are very happy with their looks and everything, and you know, the hair and all. So that is one thing I want to say about him. Usko bahut shock hai. Okay, Nagin phone mein. नागिन फोन में से अगर किसी की पोल खोल करनी हो तो वो कौन होगा, मतलब ऐसी चीज तो शायद आपको पता है, फैंस को जानना, फैंस को नहीं पता। मैं नहीं जानती कि सबको ऐसा पता है क्योंकि मैं जब उसके साथ काम कर रही थी तो मुझे पहली बार ही ऐसा पता लगा दैट निया ईट्स अ लॉट। मतलब उसके फिगर को देख के कोई कह नहीं सकता कि ये लड़की इतना प्रॉपर खाना भी, क्योंकि हमने कई बार खाना भी साथ में खाया है और मैं एक कभी कभी कोई नमकीन भी ले जाती थी तो वो उसको अगर भूख लगी है तो वो मतलब आधा डब्बा भी खा जाती थी। तो मैं इसको बोलती कि कहाँ जाता है तुम्हारे अंदर, शी इज अ हाइपर एंड अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, लेकिन वो खाना खाती है बहुत अच्छे से। तो जिसको भी ऐसा लगता है कि वो इतनी पतली दुबली है और उसका खाना वो खाती नहीं होगी तो प्लीज, वो अच्छे से खाना खाती है और अभी भी मतलब उसकी मम्मी बना के देती है तो इतने अच्छे से वो अपना रोटी सब्जी अपना, शी इज अ वेजिटेरियन तो वो सब्जी दाल वाल सब खाती है, फ्रूट्स खाती है वो दिन में इतनी बार। तो उसके बावजूद उसकी कमर जो है वो ऐसे एकदम, शी इज सच अ ब्यूटिफुल बॉडी शी हैज एंड शी इज सच अ ब्यूटिफुल पर्सन, मतलब वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई, बिकॉज मेरे सारे सीन्स उसी के साथ होते थे। बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की है, बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत ही मेहनती, एक एक चीज के लिए वो इतनी मेहनत करती है, नंगे पाँव दूसरे दौड़ना हो चाहे डांस करना हो 5 मिनट में, गॉड ब्लेस हर। मैं लकी हूँ, मुझे क्या, मेरे मुझे इतने अच्छे लोग साथ में मिल जाते हैं, आई स्वेयर। इनफैक्ट दे आर लकी, दे आर समवन लाइक यू जिनको वो माँ कह सके सेट पर। हाँ दैट इज वेरी, आई नो दैट इज रियली बीइंग लकी दैट यू नो दे कॉल मी माँ, दैट्स सच अ बिग वर्ड यू नो यू शेयर एंड It's always such a pleasure that you know they address you because ये ऐसा word है जो आप हर किसी को नहीं बोल सकते। इसके लिए आपको वो सम्मान देना पड़ता है, उस स्थान तक पहुंचना पड़ता है कि आप उसके साथ तो नहीं बैठ सकते हम, क्योंकि माँ की जगह कोई ले ही नहीं सकता, उसने जन्म दिया आपको, लेकिन उससे थोड़ा नीचे पे ही आपकी जगह देते वो भी बहुत बड़ी बात है। It is not easy to get there. So I am very lucky that you know they really respect me for that. मुझे भी बहुत मजा आया, इट वॉज सो लवली एंड थैंक यू सो मच नेहा एंड आई वॉन्ट टू गिव लव टू एवरी वन हु हैज बीन वॉचिंग इट, प्रिंसेस 0080 टू रूही टू माई ब्रदर प्रशांत सुरभि झनक हरिल रूही एवरीबडी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, soon after everything gets all right. Sure, we will. Okay. And all the best to you, dear. Bye-bye. Bye, thank you. Bye, thank you.